साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा जो खुद को बिजनेस का बादशाह समझते हैं, जो खुद को अश्लील फिल्मों का सबसे बड़ा सिकंदर समझते हैं, वो राज कुंद्रा अब जेल से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। जिस राज कुंद्रा को लगता था कि पुलिस तो पैसों के बल पर नाचती है, वो राज कुंद्रा अब बाहर की हवा खाने के लिए तिल मिला रहे हैं। राज कुंद्रा जेल से बाहर आने के लिए हर दाव पेच आजमा रहे हैं, मगर कुंद्रा को शायद एहसास नहीं है कि जो धाराएं उन पर लगी हैं, उसमें बाहर आना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, राज कुंद्रा का बाहर आने का सपना फिलहाल एक बार फिर से टूट चुका है, क्योंकि राज कुंद्रा की जमानत की अर्जी को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही राज कुंद्रा पर एक और FIR दर्ज की गई है। यही नहीं, राज कुंद्रा के मामले में एक्ट्रेस सेलिना जेटली के बयान से भी हंगामा मच गया है। तो राज कुंद्रा पर आज एक साथ कई बड़ी अपडेट हैं, जो आपको बारी बारी से बताते हैं। आप भी राज कुंद्रा केस पर अपनी राय जरूर दें, और क्या केस सही दिशा में जा रहा है कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो गंदी फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाल ही में मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राज और रयान थोरपे की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था, और अब एक बार फिर से एस्प्लेनेड कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब राज कुंद्रा को किसी भी हाल में फिलहाल 10 अगस्त तक तो जेल में ही रहना पड़ेगा। वहीं राज कुंद्रा पर एक और आफत टूट पड़ी है। राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने मुंह खोल दिया है। ये मॉडल एक्ट्रेस भी रह चुकी है, एक आध फिल्मों में काम कर चुकी है, और इस मॉडल ने अब राज कुंद्रा के खिलाफ एक और केस दर्ज कराया है। मॉडल ने न सिर्फ राज कुंद्रा पर एक साथ कई हमले बोल दिए, बल्कि कुंद्रा और कुंद्रा की कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। अब ये FIR राज कुंद्रा केस में मुंबई पुलिस के लिए और क्राइम ब्रांच के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। खास बात यह है कि इस FIR में गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया गया है। तो मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया गया है। इस केस में 4 प्रोड्यूसर्स के नाम भी शामिल है। राज कुंद्रा का नाम हालांकि सीधे तौर पर इस केस में नहीं है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी के मालिक तो राज कुंद्रा ही है। इसीलिए राज कुंद्रा को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है, राज कुंद्रा को भी इस केस में शामिल किया गया है। इस केस को एक मॉडल ने दर्ज करवाया है, जो कि 1-2 फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। FIR में मॉडल ने बताया कि उन्हें अडल्ट कंटेंट फिल्म बनाने वाली कंपनी ने काम करने के लिए मजबूर किया था। मॉडल का कहना है कि उन्हें बड़ी बजट वाली फिल्म में काम करने का झांसा दिया गया, मगर वो असल में एक गंदी फिल्म थी, और उनसे फिर अडल्ट कंटेंट वाली फिल्म में काम करा लिया गया। मॉडल का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया गया, और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद पीछे नहीं हटा जाता, और इसी मजबूरी में उन्हें ऐसी फिल्म में काम करना पड़ा। मॉडल के मामले को सुनने के बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच ने तुरंत FIR को दर्ज कर लिया, और क्राइम ब्रांच के लिए ये FIR अब एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब एक और सबसे हंगामेदार खबर है राज कुंद्रा पर एक्ट्रेस सेलिना जेटली का बयान। जी हाँ, सेलिना जेटली के बयान से बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि इस पूरे केस में कई बड़े बदलाव आ सकते हैं। पहले आपको बता दें कि आखिर सेलिना जेटली का नाम इस पूरे प्रकरण में आया कैसे। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार कई एक्ट्रेस का नाम इस केस में आ रहा था, और इसके बाद एक्ट्रेस सोनालिका शोना सुमन ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने कई एक्ट्रेस को गंदी फिल्मों के लिए अप्रोच किया था, जिसमें सोनालिका ने निकी तमोली, अर्शी खान, किम शर्मा और नेहा धूपिया के साथ ही एक्ट्रेस सेलिना जेटली का नाम भी लिया था। सोनालिका ने दावा किया था कि सेलिना जेटली समेत इन सभी एक्ट्रेस को राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट्स की तरफ से वल्गर फिल्मों के लिए अप्रोच किया गया था। अब सोनालिका के बयान के बाद बॉलीवुड में हंगामा मचना तय था, और हंगामा मचा भी, और राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट्स के लिए सेलिना जेटली को अप्रोच किए जाने की खबरें एक्ट्रेस तक भी पहुंची, और उसी पर एक्ट्रेस सेलिना जेटली का बयान आया है। तो सेलिना जेटली ने अपने बयान में माना कि हाँ, उन्हें अप्रोच किया गया था। सेलिना खुद तो सामने नहीं आई, मगर सेलिना ने अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए बयान दिया है,
और इस बयान में कहा गया है कि हाँ उन्हें अप्रोच किया गया था लेकिन राज कुंद्रा के ऐप के लिए नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी के ऐप जेएल स्ट्रीम्स के लिए। ई टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि सेलिना को शिल्पा शेट्टी के ऐप के लिए अप्रोच किया गया था। सेलिना जेटली के स्पोक्स पर्सन ने आगे बताया कि एक्ट्रेस उस वक्त बिजी थी और इसी वजह से उन्होंने शिल्पा के ऐप को ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ सेलिना ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस को इस ऐप को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया था। स्पोक्स पर्सन का कहना है कि सेलिना का राज कुंद्रा के ऐप से कोई लेना देना नहीं है। सेलिना के स्पोक्स पर्सन की माने तो शिल्पा शेट्टी का ऐप जेएल स्ट्रीम्स प्रोफेशनल्स के लिए एक डिसेंट ऐप है। उन्हें हॉट शॉट्स के लिए अप्रोच नहीं किया गया था और सेलिना को तो पता ही नहीं है कि हॉट शॉट ऐप में आखिर है क्या। मतलब यहाँ सेलिना ने माना कि अप्रोच तो किया गया था मगर राज के नहीं बल्कि शिल्पा के ऐप के लिए। अब आपको यहाँ एक राज की बात बताएं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और सेलिना जेटली बॉलीवुड की अच्छी दोस्त मानी जाती है और माना जा रहा है कि सेलिना ने शिल्पा के कहने पर ही ये बयान दिया है ताकि राज कुंद्रा को बचाया जा सके। अब अगर सेलिना मान लेती है कि उन्हें राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स के लिए अप्रोच किया गया था तो राज कुंद्रा तो फंसते ही साथ ही साथ खुद सेलिना जेटली भी फंसती। इसीलिए खबर है कि शिल्पा शेट्टी के कहने पर सेलिना ने शिल्पा वाले ऐप को लेकर कहा। यहाँ आपको सेलिना जेटली का बॉलीवुड करियर बताएं तो उनका करियर काफी छोटा रहा है। सेलिना ने लगभग 30 फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किए हैं और एक आध फिल्मों में वो मेन लीड में भी नजर आई हैं। सेलिना साल 2010 के बाद से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हैं। अब क्राइम ब्रांच का काम है कि सेलिना के मुंह से पूरा सच उगलवाए ताकि राज कुंद्रा का केस और मजबूत हो सके, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास अब 10 अगस्त तक का वक्त है राज कुंद्रा के खिलाफ और सबूत और गवाह लाने का, ताकि 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई में राज कुंद्रा को दोषी साबित किया जा सके। तो फिलहाल तो सेलिना जेटली क्राइम ब्रांच के रडार पर आ चुकी हैं और अगर सेलिना पर आंच आई तो मान कर चलिए कि कई और एक्ट्रेस इस केस में फंस सकती हैं। तो आपका सेलिना के बयान पर क्या कहना है? क्या सच में सेलिना जो कह रही है वो सच है या फिर आधा सच आना अभी बाकी है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।